ये आर्थर का रूम है और आज इस लड़के के लिए खास दिन है। सुबह हो गई, मेरा बर्थडे। मेरी फैमिली के पास मेरे लिए जरूर कोई गिफ्ट होगा। मानो या ना मानो, ये बहुत बुरा है। मैंने फिर कुछ अच्छा नहीं किया। शायद ये मेरा वहम है, वो मेरा बर्थडे भूले नहीं होंगे। दूसरी कोशिश करते हैं। ये आज ही क्यों होना था? बेचारा योरिक, मैं उसे जानता हूँ। होरेशियो, मिस्टर रॉजर्स फैमिली के फादर, ये बहुत क्रिएटिव इंसान है। उन्हें उनके सभी थिएट्रिकल प्रोजेक्ट्स याद है, पर बेटे का बर्थडे नहीं। हाउसवाइफ बनने से अच्छा बिजनेस चलाना ही था। और ये है मॉम जेसिका, जो पहले बिजनेस वुमन रह चुकी है। वो घर के कामों में बिजी थी, इसलिए वो आज सुबह तैयार नहीं मिली। बकवास पिंपल, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? जेन आर्थर की बड़ी बहन है। हर टीनेजर की तरह इसके भी काफी परेशानियां हैं। सब ध्यान दो, अब मुझे बताओ, हम आर्थर के बर्थडे को कैसे भूल सकते हैं? ये एक और फैमिली मेंबर है, ग्रैंडपा एंथनी। ये एक एक्स मिलिट्री स्ट्रिक्ट मैन रह चुके हैं, पर ये भी अपनी उम्र के हिसाब से लगता है भूल गए हैं। ओह मॉम, हनी तुम्हें दांत ब्रश करना है। यहाँ बहुत सारे नए ब्रशेस हैं, जो पसंद हो चुन लो। मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, मुझे ये मॉडर्न वाला चाहिए। ये दांतों को 30 सेकंड्स में ही साफ कर देता है। वाओ, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। मैं इसे ऑर्डर करने वाली हूँ, इसे जितनी जल्दी हो सके डिलीवर कर दो। ये लो, ये ही। शुक्रिया, मेरा बेटा खुश हो गया, जिसका मतलब दिन अच्छा जाएगा। बस फिनिशिंग टच बाकी है। अब तुम एक असली जेंटलमैन की तरह लग रहे हो। पता है, दिन अच्छा हो रहा है। जब मैं मिशन पर रहूँगा तो मुझे जो मिलेगा मैं उससे खाना बनाऊंगा। आर्थर, तुम्हें भूख लगी होगी? नहीं, नहीं लगी। मेरे ग्रैंडसन के पास ये बकवास सी कैसी बॉटल है, मैं इसे कुछ नॉर्मल खाना खिलाऊंगी। इसे मुझे दो। नहीं, मॉम से बहस मत करो। आर्थर, मैं पूरी भीग गई। फिर वो मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा की तरह सब मुझे ही करना पड़ता है। अब मेरी सबसे खास चीज लाओ। ये लो, वो इसे पक्का स्पून से खा लेगा। ये बहुत काम का गिफ्ट है। वेलकम, तुम इसे ऐसे खाने वाले हो? अपना मुंह खोलो, रॉकेट मून पर लैंड हो गया। देखा, ग्रैंडपा को पता है अपने ग्रैंडसन को कैसे खुश रखना है। ये जेन है, मुझे उसे देखना होगा। तुम अपने बेटे को खाना खिलाओ, मैं अपने ग्रैंडडॉटर को देखता हूँ। ये और भी बढ़ गए हैं। ये कैसा इंसाफ है। जेन, क्या हुआ? मुझे एक और पिंपल हो गया, मैं बहुत बदसूरत लग रही हूँ। ठीक है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। काफी समय पहले की बात है, जब मैं जवान हुआ करता था, मैं अपनी सर्वाइवल स्किल्स को बढ़ाने के लिए जंगल में गया। पैंथर, तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए। हाँ, तुम डर गए, ये ठीक है, मैं जंगल का माहिर इंसान हूँ। ये क्या है? अचानक से मुझे एक जहरीला सांप मिला, उसने मुझ पर हमला कर दिया और मैं उससे शेर की तरह लड़ा। इसके बाद भी तुमने मुझे काट लिया, कितने चालाक हो। और मेरे पास ये गैजेट था जिसने उस समय मेरी जान बचाई थी, मुझे भी ये ट्राई करना है। मैंने इससे अपना जहर निकाला था, शायद तुम भी इससे अपना पिंपल ठीक कर सको। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पर सुंदर होने के लिए दर्द सहना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, पिंपल्स चले गए, यहाँ सिर्फ निशान बचे हैं। खैर, तुम्हें लड़ाई के समय मुझे देखना चाहिए था, जब मैं पूरी आर्मी से अकेला लड़ रहा था। खैर, आपको कैसा लगा? तुम अच्छी लग रही हो। वैसे मेरे पास आर्मी की एक और कहानी है। ओह, मुझे मेरी मदर की मदद करनी है। वाह, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मुझे मेरी पुरानी कार मिल गई। मुझे इससे खेले काफी समय हो गया है, उम्मीद है ये अभी भी काम करती हो। इसमें तो बैटरीज बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बेटा, मुझे चिंता हो रही है, तुम बहुत ज्यादा शुगर वाला सोडा पी रहे हो और बॉटल बच्चों वाली लग रही है। शायद तुम्हें मिनरल वाटर पीना चाहिए। मैं इस बोरिंग बॉटल से कुछ नहीं पीना चाहता। देखो, ये बहुत हेल्दी है और कैसा रहेगा। अगर तुम्हें ये पसंद आए तो तुम इसे हर समय पी सकते हो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डैडी की बात माननी चाहिए। आप मुझे पकड़ नहीं सकते, प्लीज रुक जाओ। तुम इतने फुर्तीले कब हो गए? मैं नहीं पकड़ सकता, मैं बहुत तेज हूँ। मुझे अपनी सुबह की दौड़ नहीं छोड़नी चाहिए थी। मैं हार मानता हूँ, तुम जीत गए। मैं अपने बेटे को पानी पीने के लिए कैसे मनाऊं? ओह, मुझे पता है, मेरा पुराना दोस्त मेरे काम आएंगे। हेलो हगी वगी मॉमी, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। हाय, वाह, आप लोग सच में हैं। हम तुम्हें बधाई देने आए हैं। हैप्पी बर्थडे, कितना प्यारा मिनी कूलर्स है। पानी पीना मत भूलना, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी के लिए बढ़िया है। कभी कभी आपको सही तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। बाय, हमें वापस गेम में जाना है, फिर मिलेंगे। इन कमाल के कूलर से पानी को अच्छी तरह पिया जा सकता है।
डैड चलो मेरा नया गिफ्ट ट्राई करते हैं। क्या तुम मुझे दिखाओगे ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, देखो और सीखो। आप उसमें कप रखो और बटन दबाओ। ये मुश्किल नहीं लगता। ऐसे पानी का स्वाद अलग आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए भी निकाल देता हूँ। ये लो, पी लो थोड़ा। बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। ये बढ़िया गिफ्ट है डैड। अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। मुझे पता नहीं था वीडियो गेम के कैरेक्टर्स मेरी मदद कर पाएंगे। पता है ये सोडा से भी बढ़िया है। मैं पिंपल्स को लेकर इतनी परेशान हो गई थी कि आर्थर के प्रेजेंट को ही भूल गई। ओह, लगता है मुझे पता है मुझे उसे खुश कैसे करना है। मेरे पास अभी तक नया फैंसी टॉय पड़ा है, पेसिफायर। लगता है मैं इस गिफ्ट के लिए थोड़ी लेट हो गई हूँ। मेरे भाई को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये वही है जिसे मैं ढूंढ रही थी। उम्मीद है उसे ये पिंक फ्लफी पसंद आएगा। आर्थर, मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाली हूँ। अब ये तुम्हारा टॉय है। वाओ, पर इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से तुम्हें पहले फ्लेमिंगो को खिलाना होगा। ये खास खाने के साथ आता है। तुम्हें बस इसे बर्ड्स को खिलाना है और फिर कुछ मजेदार होगा। मुझे ये करने दो। मुझे हमेशा से पेट चाहिए था, कम से कम टॉय पेट तो मिला। ये गा भी सकता है, ये प्रोसेस को और भी मजेदार बना देता है। खा लो प्यारे बर्डी, स्वादिष्ट बेमिसाल है। मुझे और चाहिए। ठीक है, तुम्हें थोड़ी मदद चाहिए। लगता है ये बढ़िया गिफ्ट है। बर्थडे बॉय मजे कर रहा है। लगता है इतना काफी होगा। देखो बहन, ये टॉय की पॉटी है। अब इसका क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा डिजर्ट मजेदार होगा। पता है ये खाने लायक नहीं है। हे ग्रांटर, तुम क्या कर रहे हो? ओह, आइसक्रीम। मुझे बस भूख लग रही थी। ईओ, मुझे अभी टॉयलेट जाना है। अपने ग्रैंडपा का फिर से ऐसा मजाक मत उड़ाना। वैसे जब मैं बाहर था तो मुझे एक कमाल का आइडिया आया। चलो देखते हैं फ्लेमिंगो को शुगर खिलाने से क्या होता है। आर्थर हटो, अगर मैं इस टॉय का काम समझ गया तो हम असली ट्रीट भी बना सकते हैं। वैसे क्या मैंने तुम्हें बताया, 20 साल पहले जब मैं अफ्रीका में मिशन पर था तब मैंने फ्लेमिंगोस देखे थे। वाओ कूल, बचाना बंद करो और शुगर डालो। अब हमें नेचुरल प्रोसेस का इंतजार करना होगा। मुझसे सब्र नहीं हो रहा। ओह, लगता है ये तैयार है। जैसा मुझे लगा था, फ्लेमिंगो ने हमारे लिए असली कैरेमल बनाया है। इससे पहले ये सूख जाए, हम इसे स्टिक पर लगाकर लॉलीपॉप बना सकते हैं। इस तरह हमें कुछ मिल रहा है। देखो, हमने कर दिखाया। और ये बिल्कुल स्टोर की सेल वाले की तरह लग रहा है। मैं इसे अपने पास रखना चाहूँगा। पर ठीक है, आर्थर ये लो, ये बढ़िया बर्थडे प्रेजेंट है। ये खास दिन है, इसलिए इस घर की हर चीज को चमकना चाहिए। अच्छा, ये धूल की वजह से है। ओह, सही कहा। मुझे मेरी नेल लेडी को बुलाना चाहिए या नहीं? ये कमाल का सच है जो मुझे नहीं पता। मॉम हमेशा घर के काम में बिजी रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो अपने लिए समय कब निकालती है। पर ये फॉर्मर बिजनेस वुमेन के लिए परेशानी की बात नहीं है। मुझे बस मेरे नेल्स को नेल पॉलिश से पेंट करना है, इन्हें फाइल करना है और हो गया। ओह, माफ करना, क्या मैं पढ़ाई में दखल दे रही हूँ? नहीं, कोई बात नहीं। आपने मुझे भी मैनीक्योर करने के लिए उकसा दिया। एक्सपेरिमेंटिंग कैसा रहेगा? मैंने हाल ही में ट्रूम ट्यूब पर मजेदार लाइफ हैक देखा है। इस वाले के लिए मुझे ब्राइट कलर वाले नेल पॉलिश की जरूरत है। हम चुने गए कलर्स को स्पंज की स्ट्रिप्स में डालेंगे और इसके बाद क्या? जाहिर है हम अपने नाखून के टिप्स को स्ट्रिप्स में डुबोएंगे। जो समय बचाना चाहते हैं, ये उनके लिए बढ़िया है। वाला, जल्दी और ब्राइट फ्रेंच तैयार है। ऐसा मैनिक्योर किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। मेरे कॉलेज के दोस्तों को जरूर जलन होगी। आर्थर की बर्थडे पार्टी के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जल्दी करो। चिंता मत करो, ये होने ही वाला है। बर्थडे टेबल तैयार है। उम्मीद है हमारा बेटा खुश होगा। जेन, तुम किचन में सजाने के लिए थी। मुझे रिपोर्ट चाहिए, मैंने सब कर दिया। बढ़िया, मेरे ग्रैंडसन की पार्टी कमाल की होगी। तुमने केक कहाँ छिपा दिया? केक? मैंने जेन को लाने को कहा था। जेन, मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने डैडी को कहा था। मैं बिजी हो गया और उस बारे में पूरी तरह भूल गया। ये बहुत बुरा है, मेरा बेटा उदास हो जाएगा। हमने पार्टी बर्बाद कर दी। चुप हो जाओ। हाँ सर, मुझे पता है हमारी फैमिली कैसी है, इसलिए मैंने खुद ही बेक कर लिया। आर्मी में वो हमें सिर्फ लड़ना ही नहीं बल्कि खाना बनाना भी सिखाते हैं। वाओ ग्रैंडपा, ये बहुत बढ़िया है, पर ये बहुत मामूली लग रहा है। हाँ, प्लेन क्रीम काफी नहीं है, लो इसे बदलते हैं। हम इसे पॉपेट वाले स्टाइल में बनाएंगे। ठीक है जेन, मैं करता हूँ। आर्थर को पॉपेट पसंद है और उसे पक्का ये आइडिया पसंद आएगा। सजाने के लिए हमें कलर्ड कैंडी और मेरे बनाए हुए क्रीम को केक के ऊपर डालते हैं।
और उसके ऊपर हम अच्छी तरह कैंडल्स लगाएंगे। और हमें कैंडल्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, इसे बस जलाना बाकी है। वाह, ये बढ़िया बना है, पार्टी बच गई। उम्मीद है वो मुझे नहीं भूले होंगे। हाँ, पर अगले साल हमें ये सब पहले ही करना होगा। अब ये असली बर्थडे है। आप मेरा कौन सा गिफ्ट लेना चाहेंगे? वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएं।